हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि स्लैप लीजन सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टीयर का पता करने के लिए आपको कौन सा फिजिकल टेस्ट करना चाहिए। ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हमने हमारी एक वीडियो के अंदर डेडिकेटेड ट्यूब से आपको ये बताया हुआ है कि स्लैप लीजन क्या होता है। एनिमेटेड फॉर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि स्लैप लीजन और स्लैप टीयर कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि स्लैप लीजन का पता करने के लिए कौन सा फिजिकल टेस्ट आपको करना होता है और किस तरीके से करना होता है। दोस्तों, स्लैप लीजन का पता करने के लिए थेरेपिस्ट क्रैंक टेस्ट करता है। CRAN की क्रैंक टेस्ट करने से आपको ये पता चलता है कि पेशेंट को स्लैप टीयर है या नहीं। क्रैंक टेस्ट करने के लिए थेरेपिस्ट क्या करता है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने शोल्डर को 90 डिग्री तक एबडक्ट करे। और 90 डिग्री तक एबडक्ट करने के बाद थेरेपिस्ट पेशेंट के शोल्डर को धीरे धीरे इंटरनली रोटेट करता है। और इंटरनली रोटेट करते वक्त वो एक्सियल लोड प्रोवाइड करता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर। अगर ऐसा करने पर पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि उसको शोल्डर में पेन हो रहा है या ग्राइंडिंग उसको फील हो रहा है, तो दोस्तों ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को स्लैप लीजन है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया स्लैप लीजन के लिए, स्लैप लीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किस तरीके से क्रैंक टेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टेस्ट रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।